नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक राशि 5 वर्षों में अपने आप दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर यह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने दी थी, 5 वर्षों में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो उसने बताया कि कितने समय में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, यह हमें बताना है। जैसे कोई राशि पी है तो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2p। यहाँ पर टाइम कितना है, 5 ईयर। ठीक है, दर बदली नहीं है यानी रेट वही है। ठीक है, तो पी की क्या हो जाती है, 2p, यानी मूलधन अगर पी है तो अमाउंट कितना हो जाता है, ये 2p हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम लगा देंगे। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर मूलधन 1+ दर/100। ठीक है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति भी यही होगी कि जब उसने कहा कितने वर्षों में, तो टाइम इसमें हमें ज्ञात करना है और क्या हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, यानी पी से राशि कितनी हो जाती है, 8p हो जाती है, यानी मूलधन का 8 गुना राशि हो जाती है। इस वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2p बराबर पी, 1+ रेट हमें पता नहीं यानी समान है, और टाइम है 5 वर्ष, पी से पी कट जाएगा, 2 बराबर 1+r/100। अभी 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 2^5 = 1+r/100, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब इस साइड आते हैं, इस साइड ही फॉर्मूला लगाएंगे, a = p/1+r/100 ए की वैल्यू है 8p बराबर पी 1+r/100 क्यों, टाइम हमें पता करना है, पी से पी कट जाएगा, 8^1/t = 1+r/100। इक्वेशन 2 दे देंगे इसको। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें RHS हमारी बराबर है, तो LHS को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो 2^1/5 = 8^1/t, तो 2^1/5। अब 8^ तो उसको 2 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2^3, तो 2^3/t हो जाएगा। अब आधार समान तो घात समान, तो 1/5 = 3/t, तो टी एकम टी और 5 × 15, टी बराबर आ जाएगा 15 ईयर, यानी 15 साल में वह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लगाया कैसे है, तो हमने पहले से एक इक्वेशन बनाया और दूसरी स्थिति से हमने दूसरा इक्वेशन बनाया, दोनों को इक्वल कर दिया और हमारे टाइम की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर राशि डबल हो रही थी, तो अगर मूलधन ए है तो अमाउंट 2p हो गया, यहाँ राशि 8 गुनी हो रही थी, तो मूलधन अगर p है तो राशि 8p हो जाएगी। हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया, 1+r/1+r की वैल्यू बराबर आ गई थी, इसको बराबर कर दिया, यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ गया 15 ईयर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।